गाइस, मेरा नाम नवीन सिंह है। आज हम देखेंगे एफटीपी सर्वर को कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो मेरा एक व्यूअर है हमारा, तो फिर उन्होंने कनेक्ट किया, सब कुछ कर लिया उन्होंने, फिर उनमें क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, कनेक्शन टाइम आउट आफ्टर 120 मिनट। ओके, तो फिर इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, एफटीपी सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें ट्रबल शूट कैसे करना है। तो फिर मैं ये करता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ अपना सर्वर। ओके, ये क्या हो गया, नेटवर्क क्यों बंद हो गया भाई। ओके, तो फिर इसको मैं रीस्टार्ट मार देता हूँ। ओके, कनेक्शन रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है, मेरा SSH नहीं चल रहा क्या। ओके, ठीक है। ओके, अब मैं इसको फिर से करता हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, तो ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एक चीज़ देखेंगे, RPM स्पेस हाइफन QA क्वेरी करते हैं। पहले एक एप्लीकेशन चाहिए हमें, VSFTP, ये है या नहीं है पहले ये देख लेते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, तो ठीक है, जब तक ये देख ही रहा तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हमें इसमें दो पोर्ट इनेबल करने होते हैं, 20 और 21। ओके, 20 और 21 हमें पोर्ट इनेबल करना है। अगर आपका फायरवॉल ऑन है तो फिर आपको 20 और 21 इनेबल करना है। अभी फिलहाल मेरे में कोई फायरवॉल नहीं है क्योंकि मैंने बंद करके रखा हुआ अपना फायरवॉल। तो फिर 20 क्यों यूज़ करना है और 21 क्यों यूज़ करते हैं, FTP में दो पोर्ट यूज़ क्यों करते हैं। 20 हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है और 21 जो होता है वो कंट्रोल कनेक्शन करने के लिए होता है। ठीक है, तो फिर अब इतना टाइम लगेगा तो हो गया। ठीक है, इसने नहीं दिखाया, इसका मतलब कुछ आया नहीं रिजल्ट, तो इसका मतलब ये इंस्टॉल नहीं है। तो फिर मैं जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ, YUM इंस्टॉल, हाँ यस करो, और VSFTPD एंटर मारा मैंने, और ये इंस्टॉल हो रहा है, वेरी गुड। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद अब हमें क्या करना है, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका VI कॉन्फ़िग फाइल खोलेंगे। तो कॉन्फ़िग फाइल खोल लेते हैं हम लोग, ETC के अंदर VSFTP कोई है, ओके VSFTP कोई है .config। ओके, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा इंसर्ट बटन दबाऊँगा। इंसर्ट बटन दबाने के बाद सबसे पहले हमें करना है ये, ओके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, सेट नंबर, इससे आपको पता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 नंबर में जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको इनेबल करना है, सॉरी यस है, तो इसको हमें करना है नो, सबसे पहला ये काम है हमारा। ओके, इसको मैं कर देता हूँ नो। ओके, उसके बाद हम जाएंगे नीचे, नीचे यहाँ पर है लोकल इनेबल, ये आपका यस होना चाहिए। ओके, और राइट इनेबल भी यस करना है क्योंकि हमें डाउनलोड और अपलोड दोनों हमें इसमें एक्टिवेट करना है। ओके, अगर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देना है तो फिर इसको आपको यहाँ पर लास्ट में जाके आप इसमें हैश दे दो तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िलहाल मेरे को चाहिए ये। ओके, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है और कनेक्शन फ्रॉम पोर्ट 20, यस ओके चाउन यूज़र अंडरस्कोर यूज़र नेम। ओके, चाउन यूज़र इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके, इसको नहीं करता हूँ, इसको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, सिंपल सा करते हैं। और क्या है हमारा, चाउन लोकल यूज़र। ओके, इसको मेरे को करना है इनेबल। ठीक है, तो इंसर्ट बटन से होते गए डिलीट, हाँ ठीक है, इसको मैंने इनेबल करूँगा। ठीक है, और कुछ नहीं करूँगा मैं, स्क्रिप्ट दबाऊँगा और इसको सेव कर लूँगा। ओके, सेव कर लिया मैंने। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करूँ, अब एक फोल्डर बनाता हूँ कि मैं अपना FTP कहाँ कहाँ से रन करूँगा। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं रूट के अंदर हूँ। ओके, बाहर निकलो रूट से, रूट के बाहर निकलो और क्या नाम था, LS। ओके, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ FTP नाम का। ओके, MKDIR
FTP, ओके ये फोल्डर मैंने बना दिया LS, ओके फोल्डर आ गया मेरा FTP, ओके CD FTP, इसके अंदर जाओ LS, ओके अब मैं क्या करूँगा, अब ठीक है हमने FTP तो इंस्टॉल कर दिया लेकिन कोई भी उसको एक्सेस ना करे, परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसमें वो डालेंगे, क्या कहते हैं इसे, यूज़र नेम क्रिएट करेंगे और आपका पासवर्ड वासवर्ड क्रिएट करके उसको परमिशन दे देंगे, हाँ भाई कोई अननोन पर्सन उसको लॉगिन ना कर सके। ओके तो फिर मैं यूज़र नेम बनाता हूँ, अब पे क्या हो गया रे बाबू, ओके बंद हो गया, ओके वाईफाई बंद हो गया मेरा, ओके वाईफाई ऑन कर दिया अब हमने, ओके तो फिर इसको रिस्टार्ट मार देते हैं, ऐसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें भी, ओके तो फिर मैं को कहाँ जाना था, मैं को FTP में जाना था, FTP में गया, अब हम जल्दी से एक यूज़र बना लेते हैं, USER यूज़र ADD@ यूज़र एट स्पेस, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी जो बनता है, जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो एक होम डायरेक्टरी बनता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो होम डायरेक्टरी यहीं पर ही बने, तो फिर मैं क्या करता हूँ होम डायरेक्टरी को यहीं पर बनाने के लिए -D स्पेस, उसके बाद जो भी आपका यूज़र नेम है मेरा जैसे होम डायरेक्टरी, जैसे यूज़र नेम है मेरा नवीन सिंगा नहीं करता हूँ, ठीक है इसमें करता हूँ BAU करता हूँ, इस नाम का मेरे को मेरा यूज़र नेम और इस नाम का फोल्डर बने, ओके बाव बाव कर दिया मैंने, फिर मैंने इसको मारूंगा एंटर, इनवैलिड बाव बाव, ओके USER यूज़र एट गलत कह रहा है ये तो बाबू, गलत क्यों कह रहा है बाबू, LS ओके USER ADD यूज़र एट -D और नवीन क्या पता बोले ना, इनवैलिड होम डायरेक्टरी दिस, ओके बाबू ऐसा तो हो गया मेरा काम, ठीक है -T के बाद स्पेस देता हूँ मैं, इसको पाथ दे देता हूँ FTP और -N, ओके अब ये क्या करेगा, डायरेक्टरी भी बनाएगा और यूज़र नेम भी बनाएगा, एंटर, ओके अब बनाइए, ठीक है ये मेरा यूज़र नेम और डायरेक्टरी दोनों बन गया, अब मैं यूज़र नेम को पासवर्ड दे देता हूँ, जो मेरा यूज़र नेम बनाया मैंने इसको पासवर्ड दे देता हूँ मैं, ओके पासवर्ड दे दिया मैंने, चलो ठीक है अब ये भी हो गया, गुड वेरी गुड, चलो भाई अब हम इसको SER VIC सर्विस रिस्टार्ट कर लेते हैं, VSFTPD स्टार्ट STRT स्टार्ट कर देते हैं इसको, ओके स्टार्ट हो गया, अब स्टार्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, CHKCONFIG चेक कॉन्फ़िग VSFTPD ऑन, इससे क्या होगा कि और जब भी कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, सर्वर रिस्टार्ट होगा तो फिर ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा, ओके तो फिर हमारा ये भी हो गया, LS के बाद CD नवीन के अंदर जाता हूँ मैं, ठीक है उसके बाद मैं एक LS करता हूँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं एक वो बना देता हूँ, कुछ भी फाइल वाइल बना देता हूँ, CAT और इसके अंदर करता हूँ सिंगल नाम का एक फाइल बनाता हूँ TXT एंटर LOFTP सर्वर, ओके ये बना लिया मैंने फाइल, अब LS करते हैं, ओके CAT सिंगा देखो तो HIPAA सर्वर, चलो ठीक है ये काम हो गया, अब मैं जाऊंगा क्लाइंट साइड में, मतलब जहां से आपको कनेक्ट करना है, तो ये मेरा एक है AWS का मेरा एक इंस्टेंस है, ओके ये भी डिसकनेक्ट हो गया, बहुत देर से बंद था, इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, और ये मेरा आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टेंस है AWS का, अमेजन वेब सर्विस का है, ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे RPM QA FTP ये है या नहीं है, ये नहीं है, वेरी गुड, तो पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं,
install yes ftp. अब इसको इंस्टॉल होने देते हैं. यू नीड टू ओके ओके sudo sudo हाँ sudo करके मैं रूट में चले जाता हूँ, रूट अकाउंट में चले जाता हूँ पहले मैं. अब मैं मारता हूँ yum install. आप लोग कभी रूट का रूट में मत जाके मारना, रूट के अंदर मत आना, sudo कमांड यूज़ करना. ओके sudo कमांड यूज़ करके करना. तो फिर क्या करना था, ftp एंटर. तो लाइन एरर क्या कर दिया, yum install क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर y आएगा. ओके ये हो गया मेरा FTP हो गया. अब मैं कनेक्ट करता हूँ FTP को. FTP कनेक्ट करने के लिए क्या है, पहले तो मैं एक यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों दिखाऊँ. ओके पहले से ही है फाइल, ठीक है. मैं करता हूँ कैट ए को देखता हूँ ए में क्या लिखा हुआ है. ओके हेलो FTP सर्वर, ए में ये लिखा हुआ है. ओके कैट बी में क्या लिखा हुआ है, हेलो अमेजन वेब सर्वर, ठीक है. कैट बी को मैं अपलोड करूँगा, समझो ये क्लाइंट है मेरा, ठीक है. बी को मैं अपलोड करूँगा, उससे पहले मैं डाउनलोड करूँगा. ओके तो फिर मैं ये करता हूँ, पहले रिमूव कर लेता हूँ ए को, यस. और रिमूव इनपुट क्या है पता नहीं क्या है, इसको कर लेता हूँ और यस और ls करता हूँ. तो फिर सिर्फ एक ही है और उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो अमेजन वेब सर्वर सर्विस, सॉरी, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, FTP कनेक्ट करता हूँ अपना FTP के बाद अपना IP एड्रेस, जो भी सर्वर का IP एड्रेस है. तो मैं अपने डोमेन नेम से चला रहा हूँ, कॉन्फ़िगर है मेरा. ओके मैंने एंटर किया और ये ओके. अब ये पूछ रहा है आपका यूज़र नेम, यूज़र नेम मैंने हमने क्या बनाया था, नबीन. ओके एंटर. अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, हाँ जी ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा है. तो फिर पासवर्ड मैंने दे दिया. ओके तो ये हो गया मेरा लॉगिन. अब देखने के लिए क्या है इसके अंदर, एलएस करूँगा मैं, जल्दी हो जा भाई, जल्दी हो जा, टाइम नहीं है. ओके 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 टाइम लग रहा है इसको, मेरे सर्वर को क्या हो गया. ओके इसको फिर से करना पड़ेगा लगता है मेरे को. ओके तो फिर मैं क्या करता हूँ, रिकनेक्ट करता हूँ इसको, कंट्रोल सी से कैंसिल करो, एलएस करता हूँ. कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है, मेरा नेट चल रहा नहीं चल रहा, नेट तो बढ़िया चल रहा है. तो ठीक है तो मैं तब तक वेट, अच्छा वेट करने की जरूरत नहीं, आ गया. ओके तो ये मेरा बता रहा है कि ये यहाँ पर मेरा नवीन के अंदर हूँ मैं और यहाँ पर सिंगा डॉट टी एक्स सी नाम का फाइल है, ठीक है. तो फिर मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, पी डब्ल्यू डी ओके एल एस सिंगा नाम का ये फाइल है. ओके तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है. डाउनलोड करने के लिए क्या है, हम लोग क्या कर देते हैं, वी गेट, ठीक है. लेकिन FTP में एम गेट होता है, ठीक है. एम गेट स्पेस जो भी फाइल आपको डाउनलोड करना है उसका नाम, इसमें टैप काम नहीं करता है, टी एक्स टी, फिर एंटर. ये पूछेगा डाउनलोड करना है या नहीं करना है, आपको करना है यस, वाई वाई प्रेस करके एंटर और ये मेरा डाउनलोड हो गया. हो गया, इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा रे बाबू, बाबू ऐसे कैसे होगा रे बाबू. चलो ठीक है ये हो जाएगा डाउनलोड, थोड़ा वेट करते हैं. एक ही सर्वर को मैंने इतने सारे सर्वर बना दिए कंप्यूटर को, इसलिए हो रहा है ये, स्पीड कम मिल रहा है. वेरी गुड. ओके इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई.
ओके ओके हो जा भाई हो जा, कैंसिल करके फिर से करते हैं, ठीक है। एम गेट स्पेस फाइल नेम, एंटर, क्या हुआ, कंटिन्यू विथ एम गेट, अच्छा कंटिन्यू विथ एम गेट में यस करना चाहिए था, ओके मैं फिर से करता हूँ। एम गेट स्पेस फाइल नेम आपका जो भी है, ओके छोड़ो, बाय करने से होता है ये एग्ज़िट, एफटीपी एग्ज़िट होता है बाय करने से, ओके। अब मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, एफटीपी फिर से कनेक्ट करते हैं, नहीं नबी नाम है, ओके। अब एलएस बहुत स्लो चल रहा है मेरा नेट, इतना स्लो चलेगा तो कैसे होगा बाबू। एलएस चलो इसको ओपन होने दो, तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एम गेट एम जी टी एम गेट स्पेस एस आई एन जी एच ए सिंगर डॉट टी एक्स टी, एंटर। अभी परमिशन मांगेगा, पूछने का आपको भी बस वाइट द प्रेस करके एंटर मारना है, जैसे कि परमिशन मांग रहा है, थोड़ा बिजी जा रहा है मेरा, शायद वाईफाई बिजी जा रहा है, सर्वर बिजी जा रहा है, सब कुछ बिजी जा रहा है, ओके ठीक है। तब तक मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, तो ये परमिशन मांगता है, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा मैं उसमें फिर से इसको चला दूँगा, या फिर थोड़ा रुक जाता हूँ, छोड़ो ये तो बहुत टाइम ले रहा है, तो मैं सर्वर में जाके इसको एक बार सर्विस को रिस्टार्ट मार देता हूँ, इसको रिस्टार्ट मार देता हूँ, ओके। अब देखते हैं ये होता नहीं होता, नहीं हो रहा बाबू, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, नहीं हो रहा, ओके। ये मेरे कुछ वाईफाई के प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ये हो नहीं रहा, ठीक है, सॉरी सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर में कुछ ज़्यादा ही लोड हो गया सर्वर, इसलिए ये नहीं हो रहा शायद, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ, पहले तो मैं रूट में जाता हूँ, ओके। अब करता हूँ एफ टी पी अपना डोमेन नेम, डोमेन नेम की जगह आप पासवर्ड लिखोगे, ओके ठीक है। ये मेरे सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है, ये जब तक कनेक्ट हो रहा है तब तक थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो फिर इसमें हम दे देते हैं यूज़र नेम, ओके, लॉगिन फील्ड, इतना लेट अगर लॉगिन होगा तो फील्ड ही होगा ना भाई, फिर से कनेक्ट करो, यूज़र नेम नबीन, पासवर्ड दे दो, सक्सेसफुल, एलएस करो, ठीक है। एफटीपी अगर इतना धीरे कनेक्ट होगा तो कैसे काम चलेगा भाई, ओके। तो फिर ये दिखा दिया फाइल, ओके मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ, एम गेट, उसके बाद आपका फाइल का नेम, इसमें टैप काम नहीं करता है, ओके फाइल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, फिर एंटर मारूँगा। अब ये पूछेगा मुझसे परमिशन लेगा कि क्या आपको डाउनलोड करना है, उसमें आपको वाई प्रेस करके एंटर मारना है, ओके। तो बीच में कनेक्शन टाइम आउट हो गया था, तो फिर ये पूछ रहा है यस, तो फिर मैं इसमें कर देता हूँ यस वाई और एंटर, तो ये जल्दी से ये हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा ये, मेरा सर्वर बहुत बिजी हो गया इसलिए थोड़ा स्पीड थोड़ी कम हो गई है इसकी, लेकिन रियल टाइम में आपका एक ही एफटीपी सर्वर रहता है, तो अभी इसमें अभी मेरे सर्वर पे लैम्प चल रहा है
और क्या चल रहा है, एलएम चल रहा है, वेबसाइट चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, आपका चेप सर्वर चल रहा है, गिट सर्वर चल रहा है, तो इसलिए ये सिस्टम बैठ गया है। वेरी गुड। तो ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं पॉज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन सके। अब जब तक ये हो रहा है इतना टाइम लगाएगा, तो टाइम वेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर जाके इसको एलएस कर देता हूँ। एलएस यहाँ पर करने का फ़ायदा होता है, नोट तो वहाँ पर होगा वो। ओके, इसमें तो फाइल है, ठीक है, वो वाला फाइल अब मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो फिर यहाँ पर लाने के लिए मेरे को इसका करना ज़रूरी है। ओके, एक यहाँ से ओके क्या कह रहा है ये, ओके हो रहा है, ओके वेरी गुड। इसका मैं जो क्लाइंट है इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ मैं। ओके, डुप्लीकेट लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर जो फाइल है जो मैंने ऊपर क्रिएट किया था, कौन सा नाम का फाइल क्रिएट किया था मैंने, ओके डुप्लीकेट लिया था क्या ये मैंने, अगर मैं फिर से पीछे जाऊंगा तो लंगा लग जाएगी मेरी। ठीक है, ये तो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए हम लोग कमांड लगाएंगे mput स्पेस जो भी आपका फाइल नेम है उसको अपलोड करना है। जैसे मेरा बी था, b.txt, इसको करूँगा अपलोड। mput से मैं इसको अपलोड करूँगा, वो आपके वहाँ पर चले जाएगा, सर्वर पर चले जाएगा। फिर एंटर किया, फिर यस, और ये अब सर्वर पे ये डाल रहा है। ओके, तो फिर मैं सर्वर पे जाता हूँ, सर्वर में जाके देखता हूँ, ls किया, ये अभी एक ही फाइल दिखा रहा है, ये ls किया एक ही फाइल दिखा रहा है। जैसे ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये सेकंड फाइल भी आ जाएगा। ओके, तो फिर आप देख सकते हैं ये हो गया सेंड हमारा कंप्लीट। अब मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका बी आ गया। ओके, सीटिकेट बी, और देखा तो फिर हेलो अमेजन वेब सर्विस। ओके, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ बाय, और इसमें करता हूँ जो हमने डाउनलोड किया था उसको देख लेता हूँ, ls, और ये आ गया यहाँ पर सिंगा। ओके, अब मैं इसको कहता हूँ कैट सिंगा, एंटर, और ये हेलो FTP सर्वर। ओके गाइस, तो ये सिंपल सा है, ठीक है। तो फिर अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ओके मान लो ठीक है ये अमेजोन है, अमेजोन को वाले को मैं क्या करता हूँ, अमेजोन को शट डाउन कर देता हूँ मैं। ओके, हाँ, तो मैं क्या कहता है, अगर कुछ भी अगर आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये VI जो फाइल है, VI फाइल को ओपन करके आपको अपना सेटिंग देखना पड़ेगा कि आपका सेटिंग आपने क्या क्या करके रखा हुआ है। मेरा VI फाइल कहाँ पर, टाइप ही कर लेता हूँ यार, ज़्यादा भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। ओके, तो फिर मेरा VI जो भी क्या होता है vsftp.config फाइल कहाँ होता है। ओके, उसके लिए मैं जाऊँगा इस पे VI स्पेस etc के अंदर vsftp.config के बाद टैप लगाऊंगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो फिर यहाँ पर चेंजेस जो भी करना है आपको यहीं पे चेंजेस करना है, ट्रबल शूटिंग आपका यहीं से ही होता है। ओके ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।